हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग बहुत ही अच्छा ट्राई दी सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, कैसे करना है। कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न। तो मैंने आपको पैटर्न बताया था, जिनको नहीं पता है पिछली वीडियो में तो ट्राई दिस कराया था, उसके पहले पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है इस पैटर्न को 6667 वाला, कि अगर 7 एक बार आ रहा हो और 6 अपने आप को रिपीट कर रहा हो तो कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखो, फिर से बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि 67 है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप 7 को उठाओगे, इसका स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 49 होता है। तो इस 4 को यहां लिखोगे 4 और 9 को इधर लिखोगे। अब आपको देखना है कि 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 कितनी बार हो रहा है, एक बार रिपीट। तो आप क्या करोगे, 6 जब रिपीट हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो आप एक बार यहां पे बीच में 4 लिखोगे और एक बार आप 8 लिखोगे। तो ये हो जाएगा 4 4 4 8 9, ये होगा आपका आंसर। तो ये तो 60 किसका था, 67 का था। तो ये तो ट्रिक है, ठीक है। देखो किस तरीके से आप लिखोगे इसको, यहां पे भी अप्लाई करो, कैसे करोगे। यहां पे 6 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 6 बार है, 3 3 6, और फिर एक बार 7। इसका स्क्वायर करना कैसे करोगे, आपके पास 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 का 4 इधर लिखो, 9 इधर लिखो, ठीक। अब देखो 6 कितनी बार है, 6 बार, 6 कितनी बार है, 6 बार। तो आप 6 बार 4 को लिखोगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार। अब देखो 8 भी आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर ये होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6, और फिर ये हो गया, ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर ये कहें तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। 7 को आप जब करोगे, कितनी बार 6 है, 7 बार है, तो आपको 8 बार लिखना पड़ेगा 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही बार आपको 8 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 को इधर ले आते हैं, ठीक है, 4 इधर है और ये इधर है, ये दोनों बीच में ब्रैकेट में। तो ये हो गया अपना आंसर, कितना आ जाएगा, कितनी बार आएगा ये देख लो, गिन लो और फिर एक बार 9 लिख दो। तो मेरे हिसाब से आपको प्यारे बच्चों आया होगा समझ में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कि जब 6 रिपीट हो रहा हो, बस 7 अपने आप को रोका हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट लेनी है आपको, इसको स्प्लिट करना है, हमें पता है इसका स्क्वायर होता है 49, 49 का 4 इधर, 9 इधर, कितनी बार 6 आया है उतनी ही बार 4 और उतनी ही बार 8 लिखेंगे, उतनी ही बार 4 और उतनी ही बार 8 लिखेंगे, ठीक है। बस आपका आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने ये ट्राई दीज बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था वीडियो में कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वहां पे अच्छे से डिस्कस किया था, यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो एक बार रिवाइज करो, और अपना ख्याल रखना मत भूलना, क्योंकि मिलने वाले हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लोग सॉल्व करेंगे सारी की सारी एक्सरसाइज, आपकी जितने भी क्वेश्चन है, तो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।